सब्सक्राइब करें PDSU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन कीजिए, जिससे आपको सेकावाटी विश्वविद्यालय की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे कमेंट में किसी भाई ने ये पूछा था कि सर ये बताइए कि सेकावाटी विश्वविद्यालय का पुनः मूल्यांकन जो रिवेल्यूशन का फोरम है वो किस तरह से भरते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। उन्होंने बोला कि आप मुझे लिंक भी सेंड कर सकते हैं जिससे मैं फॉर्म भर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं कि जो रिवेल्यूशन फॉरम है वो आप घर पे नहीं भर सकते हैं, क्योंकि रिवेल्यूशन फॉरम भरने के लिए उसमें ई मित्र चाहिए। अगर आपके पास में ई मित्र नहीं होगा तो आप फॉरम नहीं भर पाओगे, इसलिए आपको ई मित्र पर ही ये रिवेल्यूशन फॉरम भराना पड़ता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आपके पास में रिवेल्यूशन फॉरम आपको भरना है और आपके पास ई मित्र है तो आप किस तरह से अपने फॉरम को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको पूरा बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और स्किप मत करना बीच बीच में। अगर आप स्किप करोगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आ पाएगा और आप नहीं जान पाओगे कि कैसे हम सेकावाटी विश्वविद्यालय का पुनः मूल्यांकन फॉरम घर बैठे भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे फॉरम भरा जाता है। सबसे पहले आपको अपने ई मित्र को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन के नीचे आपको यूटिलिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सर्च वाले आइकन में आपको सर्च करना है सेकावाटी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखिए, रिवेल्यूशन का फॉरम हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पे इसमें ओके करते हैं। ओके करने के बाद में एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। ये देखिए, सेकावाटी विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे UG PG PROF जो भी यहाँ पे फॉरम है वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ये वीडियो 2019 का मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे BA पार्ट फर्स्ट 2019 इसमें दे रखा है, तो हमें यहाँ पे BSc का हम फॉरम अप्लाई करते हैं रिवेल्यूशन का। यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जिसका फॉरम भर रहे हो उसके यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे रोल नंबर फिल कर देता हूँ, उसके बाद में प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में आपको जिस फॉरम में रिवेल्यूशन करवाना है उसमें आपको क्लिक करना होगा, जिसमें आपके नंबर कम आए हैं और आप चाहते हैं कि इसका रिवेल्यूशन करवाएं, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा, उस कोड के हिसाब से आपकी कॉपी है वो चेक होगी। तो यहाँ पे आपको जितने मार्क्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे हमें इस तीन में रिवेल्यूशन करवाना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और नीचे हम प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको कॉलेज का जो नाम आपको दिख रहा होगा और नीचे इसके एक एड्रेस का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस फिल कर देता हूँ। दोस्तों, ये फॉरम मैं पहले का बता रहा हूँ, पहले का भरा हुआ फॉरम है, लेकिन 2019 का 2020 का सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से आप फॉरम अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सिक्कर करता हूँ और यहाँ पे आपके जो पिन कोड है वो यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। अब आपको यहाँ पे अपना जन्म दिनांक क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे हम जन्म दिनांक भी डाल लेते हैं और अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो चलिए मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे एक छोटा सा तीन पॉइंट दिया है, इनको पढ़ लेना एक बार। और अभी आपको यहाँ पे नीचे प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमारे तीन पेपर आ चुके हैं जिनमें हमें रिवेल्यूशन करवाना है, तो अभी हमें प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। तो हमने जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक किया तो थोड़ा टाइमिंग लेगा और आपके सामने फॉरम है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी टोटल फीस कितनी लगेगी और यहाँ पे आपके रोल नंबर वाइज भी आपको देखने को मिल सकते हैं
पूरी जो जानकारी है वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि सही है कि नहीं है, क्योंकि उसके बाद में आपको पेमेंट करना होता है। तो आप अपना एक बार आराम से इस फॉर्मेट को देख लीजिए कि आपने जो भी रिवॉल्यूशन करा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। इतना सब कुछ देखने के बाद में आपको नीचे आना होगा, और नीचे आने के बाद में यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड नंबर वगैरह आपको सब कुछ डाल देना है, और आपका पेमेंट यहाँ से काट लिया जाएगा जो भी जितने पैसे लगने हैं। और उसके बाद में यहाँ से देखिए आप प्रिंट फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं, या फिर आपको इस रसीद का प्रिंट चाहिए तो आप इस रसीद का भी प्रिंट लेके और डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक रिवॉल्यूशन फॉर्म भरा जाता है। मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बताया है, पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप समझ भी चुके होंगे कि किस तरह से हम रिवॉल्यूशन फॉर्म सेकावाटी विश्वविद्यालय का अपने घर बैठे भर सकते हैं। अगर आपके पास में इमित रहा तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भर पाओगे। अगर आपको फिर भी चाहते हैं कि मैं नहीं भरना चाहता, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इमित्र पर जाके अपना फॉर्म भरवाए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो आप इमित्र वालों से कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे आप फॉर्म भरवा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताऊँगा, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और अभी तक आपने पीडीएससी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे ऐसी जानकारी सबसे पहले डालता रहूँगा।